भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए तीसरे अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच के पिच को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीसीसीआई के पूर्व सचिव संजय जगदाले ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए जो पिच बनी हुई थी उस पर मैच ही नहीं हुआ। ये बयान आने के बाद एक बार फिर एमपीसीए सुर्खियों में है। बीसीसीआई के खुद चीफ पिच क्यूरेटर इंदौर आए थे, उन्होंने जैसे डिमांड की थी हमने वैसा ही पिच बना दिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि एमपीसीए इंदौर के पिच क्यूरेटर सवंदर सिंह ने दूसरा विकेट तैयार करके रखा था, लेकिन जैसा बीसीसीआई के विकेट क्यूरेटर ने कहा हमने विकेट तैयार कर दिया था, लेकिन जिस पर मैच होना था उस पर मैच नहीं हुआ। पिच तो जैसा जैसा उन लोगों ने डिमांड मांगा था वैसा बना के दिया। बीसीसीआई के चीफ क्यूरेटर यहाँ आए थे तो उन्होंने इंस्ट्रक्ट करके लोकल क्यूरेटर से जो जैसा बोला वो बनाया, क्योंकि समंदर सिंह जो लोकल क्यूरेटर उन्होंने तो दूसरा विकेट बना के रखा था पहले से, शायद वो उन्होंने मना कर दिया और दूसरा विकेट जो था बना के उन्होंने अपने हिसाब से बनवाया था। चलता है कि जो पिच बनाई गई थी उस पर शायद तक खेल नहीं हुआ, ऐसा भी कई कहीं चल रहा है, तो सर उसको लेकर हाँ ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है कहना कि बट किसने किया? आप सिर्फ इंदौर की क्यों ले रहे हैं ना, इसके पहले नागपुर और दिल्ली में भी तीसरे दिन में खत्म हो गया था मैच, वो भी तीन दिन में खत्म हो गया था, तो वो तो सब जगह हो रहा था। ऐसी ऐसी क्या चीज़ हो रही है, किसके कहने से हो रहा है?